तहलका न्यूज के सभी दर्शकों को मैं जूली श्रीवास्तव प्रणाम करती हूँ। निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज और मैं हूँ विनय ज्ञानचंद्र। आज की मऊ की सबसे बड़ी खबर, मऊ में 4 लेन पर निर्माणाधीन पुल गिरा, 4 मजदूर बुरी तरीके से घायल। मऊ जनपद के दोहरीघाट बढ़लगंज के बीच सरयू नदी पर वाराणसी गोरखपुर के लिए बन रहे 4 लेन के पुल का निर्माणाधीन ढांचा गिर जाने से 4 मजदूर घायल हो गए, जो सभी असम के रहने वाले हैं। आपको बताते चले कि 3 मजदूरों का इलाज बढ़लगंज के अस्पताल में चल रहा है, वहीं 1 मजदूर को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की देखरेख में निर्माणाधीन 4 लेन JP एसोसिएट द्वारा बनाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की देर शाम दोरीघाट के पास कंपनी के MD राकेश शर्मा व सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजीव शर्मा की देखरेख में ब्रिज का पहला सेगमेंट मशीन से चढ़ाया जा रहा था कि इसी दौरान अचानक वह सेगमेंट नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में आकर बहरुल आलम उम्र 20 वर्ष पुत्र बन चुंगिया, मुस्तफा उम्र 23 वर्ष पुत्र मुख्तार अली, साहब अली उम्र 21 वर्ष पुत्र खालिद, मिनास मिर्जा उम्र 22 वर्ष पुत्र मुस्तफा, सभी निवासी बंगोई असम, बुरी तरीके से घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में बड़लगंज स्थित 2 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं मिनास मिर्जा को गंभीर हालत की स्थिति देखते हुए मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। इसमें प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि घटना अप्रशिक्षित लोगों से कार्य कराने का परिणाम है। JP एसोसिएट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजीव शर्मा का कहना है कि दुर्घटना अचानक घटी, फिर भी कारणों का पता लगाया जा रहा है, यदि कहीं लापरवाही हुई तो दोषियों को दंडित किया जाएगा। आपको बताते चले कि विगत दिनों मऊ के ही एक छोटे पुल में पूरा का पूरा स्लैब ही गिर जाने से लोग बाल बाल बचे थे। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कारस्तानी में यह कोई नई बात नहीं है। पिछली बार और भारत में कई जगह इस प्रकार की घोर लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं। खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। आप तहलका.in को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और तहलका न्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और बेल आइकन ना भूलें। थैंक्स।